हेलो फ्रेंड, दिस इज राजेश गौतम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मोटर साउंड विद अनदर व्लॉग्स। तो आज संडे का दिन, सुबह सुबह मन किया राइड पे जाने का, तो मैंने मेरे शूटर मेरे साथ ले लिए हैं। जैसा कि आपने देखे कलाकार को सामने से विली मार रहा है ये अभिषेक है और शायद पीछे शुभम आ रहा है। तो आज का प्लान जो है वो है चौकी टेंपल जाने का। चौकी टेंपल बोले तो बृहस्पति टेंपल, ये टेंपल इंडिया में सिर्फ दो ही हैं। एक राजस्थान में है, राजस्थान में कहाँ है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक राजस्थान में है और एक जो है वो नागपुर के पास वर्धा डिस्ट्रिक्ट में चौकी धाम कह के है, चौकी टेंपल चौकी धाम वहाँ पर है ये। और राजस्थान वाला जो है वो कुछ वो जो मेला लगता है ना घोड़े घोड़ों का, वहाँ पर है वो एग्जैक्टली। मुझे देखिए शुभम, ये रहा शुभम का RX 100। ये गाड़ी भी मैंने मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तैयार करवाई थी। और ये भाई साहब अभिषेक, अब ये दोनों मस्ती करते हुए जाएंगे। जब भी दोनों मिलते हैं ना बड़े बड़े कांड इनके चालू हो जाते हैं। लोग जस्ट नागपुर से भी निकल रहे हैं और उसके बाद हम लोग सीधा वर्धा रोड ले लेंगे। ये रही शुभम वाली गाड़ी, एकदम स्टॉप कंडीशन में गाड़ी है। और चूंकि इस गाड़ी को भी राकेश भैया ने बनाया था और इनफैक्ट मेरे हिसाब से गाड़ी बनी थी कि मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो उस तरह से ये गाड़ी फिर रेडी हुई। लास्ट टाइम हमने इसका माइलेज टेस्ट भी किया था इस गाड़ी का, जो 53 का माइलेज इसका निकला था, वो मेरी गाड़ी का वहीं 54 का माइलेज आया था। थोड़े आज हम लेट हो गए हैं, लेट इसलिए कि थोड़ा उठने में थोड़ी कंजूसी हो गई, उस वजह से थोड़ा डिले हो गए हैं। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अदरवाइज हमको तो सुबह ही मॉर्निंग निकल जाना चाहिए था। अब ये पुलिस वाले क्यों भाग रहे हैं और किसकी तरफ भाग रहे हैं भगवान जाने, कहीं अभिषेक को ना पकड़ ले क्योंकि भाई साहब वहाँ से विली मार के निकले थे। हाँ यस 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 यस, ये इनको पकड़ लिया है, इनके लिए ही ये निकले हैं। वेरी गुड। मुझे तो लगा अभिषेक की ऐसी गाड़ी देखने के बाद इसको तो पकड़ने नहीं जा रहे एक तो इसकी गाड़ी ऐसी दिखती है ना, एकदम सब तरफ से मॉडिफाइड करके रखा है उसने, सब तरफ से क्या क्या लगा के रखा है, एकदम ऐसा लगता है कोई एलियन आ गया होगा हिंदुस्तान में तो मुझे लगा इसी की गाड़ी पकड़ने के लिए लोग रफ्तार में जा रहे हैं, बट वो दो लड़के बदमाशी करते हुए आ रहे थे, उस वजह से रोड पे मतलब आड़ी तड़ी गाड़ी चला रहे थे, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता था उससे, इस वजह से पुलिस ने उनको ओवरटेक करके पकड़ा है। एक चीज़ बता दूँ, यामा चलाने का एक अपना अलग मज़ा है और यामा RX सीरीज़ इतनी बेहतरीन बाइक है, जैसा कि मैं आपको मेरे लास्ट कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इससे बेहतरीन बाइक और कुछ हो नहीं सकती। ये दोनों ना दोस्त है कि दुश्मन, ये आज तक मेरे को समझ नहीं आया है। रहते साथ में हैं और एक दूसरे के खींचते रहते हैं, भगवान जाने। बहुत दिनों बाद ना, बहुत दिनों क्यों शुभम? हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बहुत दिनों बाद। और आज आज अपने पास गाड़ियाँ भी 100 है, तीनों की पूरी 100 है ना, पूरी 100 है। और पटेल की तो स्टॉक गाड़ी है, पटेल के तो जलवे ही अलग है आज। खुश खुश कैसे हो रहा है लेकिन, हाँ गाड़ी को भगाता थोड़ी सी इंजन बना फिर रोक देता है, कहीं चिपक ना जाए कहीं सीज ना हो जाए। हम लोग जस्ट चौकी टेंपल के पास पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग चौकी टेंपल पहुंच जाएंगे। बहुत दिन बाद हमने यहाँ पर राइड
काम ये देखिए, ये शुभम वाला गाड़ी, ये अभिषेक का, मेड इन ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, पता नहीं क्या क्या लगा के रखा है। देखो ये इधर रिफ्लेक्टर इंडिकेटर टूट गया आज, ये पीछे एक रिफ्लेक्टर, और पता नहीं क्या क्या बटन सिस्टम है इसके, इसमें भगवान जाने, ऐसा लगता है पूरी हाईटेक बना के रखा है। कहीं रिमोट क्रूज कंट्रोल वगैरह भी है कि इसमें, स्टीयरिंग छोड़ने के बाद चलती है क्रूज कंट्रोल भी है क्या? तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं चौकी टेम्पल और दिखाते हैं आपको आगे चौकी टेम्पल कैसा है। पूरा जंगलों के बीच में बसा हुआ ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है और मैं यहाँ हमेशा अक्सर आता हूँ क्योंकि मेरे जो लग्नेश हैं वो बृहस्पति हैं, गुरु हैं, तो मैं जनरली यहाँ पे आते रहता हूँ। भाई साहब लोगों का फ़ोटोशूट चल रहा है यहाँ पे और हम आ गए हैं चौकी टेम्पल। ये है बृहस्पति मंदिर चौकी, देखें कितना खूबसूरत मंदिर है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ और बहुत पुराना टेम्पल है दोस्त। पता नहीं, कहते हैं कि द्वापर का ये मंदिर है, द्वापर युग जब था कलयुग के पहले तब का मंदिर है। यह है वो बृहस्पति टेम्पल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए अंदर में बृहस्पति जी हैं। तो पहले गाड़ी लगा देते हैं और उसके बाद फिर आगे की प्रोसीजर करते हैं। कैसे कैसे पागल लोगों के साथ आज राइडिंग कर रहा हूँ मैं, डर लगने लगता है यार कभी कभी, ये पागल लोग कुछ भी करते हैं। ये तो कम है, वो तो बहुत ज़्यादा पागल है। वो देखो कहाँ भाग गया। अच्छा इससे क्या होगा ना, गाड़ी की ऐसी तैसी तो हो ही जाना है। अच्छी खासी गाड़ी को बंड बजाना है ना, तो ये सब कार्यक्रम करते रहने का। एनीवे मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मेरी यामा बहुत प्यारी है और मैं किसी को विली मारने भी नहीं देता, ना खुद मारता। तो आज का राइड यहीं कंप्लीट होता है और हम लोग अब निकल रहे हैं सीधा नागपुर के लिए विदाउट डिले किए हुए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत गर्मी चालू हो गई है। इनफैक्ट जैकेट के अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भीग गया हूँ स्वेटिंग से, बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये रोड कैसा है, अब ये जैसा ही जंगल पार करेंगे उसके बाद बोर मतलब झिलपी डैम आएगा, झिलपी डैम के बाद हम लोग सीधे नागपुर के लिए निकल जाएंगे।
शिल्पी डैम। अब यहाँ थोड़ा सा हम कपा कर खाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। आज की राइड में मज़ा बहुत आया और यामा चलाने का तो अपना अलग ही मज़ा है। यामा जैसी गाड़ी तो शायद ना बनी है ना बनी होगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ एक नया टॉपिक लेके, यामा RX 100 या 2 स्ट्रोक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।